तो मैं सारी माता के सम्राट से श्री जयमन की माता के चरणों में कोटि समर्पण उन्हीं के गावे पटदर संत मेरु सरल मना प्रशांत केता आचार्य सम्राट को सुख चंद्र की मरता एक अच्छा भी पति मात्र पति वचन चित्र साधक उग्र बिहारी आंसू कवि बारहवें पटदर आचार्य प्रवस्थित बाकी चंद्र की मरता और तपस्वी उपाध्याय श्री गुणवंत चंद्र की मरता प्रभु महावीर स्वामी ने उद्राधन सूत्र में बताया जहाँ सुई चतुष्टा पड़ियाली न विनसई एवं जीवे ससुते संसारे न विनसई। बंधु, जिस तरह से महिला अपने घर के अंदर सिलाई का काम करती है उस समय सुई को एक धागों में पिरो के रखती, अगर बिना धागे में पिरोए सुई को ऐसे ही रख दे तो क्या हो सकता है, क्या मिल सकती है समय पर, नहीं मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार अगर साधक अपनी आत्मा को पिरो देता है तो वह आत्मा संसार के अंदर परिभ्रमण नहीं करती है। बंधु, आत्मा को कैसे पिरोना, आत्मा तो अरूपी है और उसको कौन से धागे में पिरोया जाता है। ज्ञानी ने कहा अगर उसको ज्ञान के धागे में पिरो देते हैं तो वह आत्मा संसार के अंदर भटकती नहीं है। बंधु, ये आत्मा का गुण है ज्ञान, उपयोग गुण। अगर जीवन के अंदर ज्ञान होगा तो हर कार्य व्यवस्थित हो सकता है और अगर ज्ञान नहीं होगा तो वहां पे सही गलत का अंतर उसको पता नहीं चले। बंधु, घर के अंदर भोजन पकाने का जब काम करती है उस समय महिला को अगर पता होगा कि कौन सी वस्तु के अंदर क्या डाला जाता है तो वहां भोजन अच्छा बन सकता है और अगर उसको उसका नॉलेज नहीं होगा तो वहां बिगड़ भी सकता है। श्रावक लोग जब बिजनेस करते हैं उस समय अगर उनको पता है कि प्रॉफिट करने के लिए कैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, माल को कैसे बेचना है, वहाँ के पैसे को कैसे कमाना है, वहाँ पर प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है ताकि हानि नहीं होवे, कोई नुकसान नहीं होवे, अगर उसका ज्ञान होगा तो ही वह पर अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। बंधु, ज्ञान होगा तो वहाँ पे जो भी अगर तप करेगा वहाँ के तप का वांछित लाभ प्राप्त हो सकता है। उसको पता है कि उपवास करने से कर्मों की निर्जरा होगी तो वो उसी उद्देश्य से वहाँ के तपस्या करेगा। बंधु, अगर उसको ज्ञान ही नहीं होगा कि तपस्या क्यों की जाती है, किसके लिए की जाती है, केवल शरीर को कष्ट देने के लिए ही वहाँ पे अगर तप किया जाता है तो वहाँ पर जो सकाम निर्जरा होनी चाहिए वहाँ पे सकाम निर्जरा नहीं होगी, उसके बदले में वहाँ बाल तक की श्रेणी में आएगा, भले ही एक एक महीने तक वहाँ पे अनशन कर लेगा, जब पाने का अवसर आता है तब थोड़ा सा कवर आहार लेकर वहाँ पालना कर लेगा, लेकिन वहाँ पर अकाम निर्जरा की श्रेणी में आए। बालक को अगर ज्ञान होगा ये गर्म पानी है तो वह क्या करेगा, क्या उसमें हाथ डालेगा, नहीं डालेगा, वह अपना बचाव करेगा। और महिला को पता है कि ये गर्म पानी है तो वहाँ पे हाथ डालेगी, वो पता है कि कितना गर्म होता है तो वहाँ पर पानी में हाथ डालना चाहिए। बंधु, किसी व्यक्ति को हवेली जाना है और उसकी जो हवेली है बहुत लंबे समय तक वहाँ बंद पड़ी है, लेकिन उसको कोई जरूरत डॉक्यूमेंट वहाँ से लेके आना है। किसी ने कह दिया ये हवेली बहुत सालों से बंद है, यहाँ पर भूत प्रेत
कभी बात होता है, लेकिन उसको जाना भी जरूरी है। वहां से कुछ पेपर्स लेके आना है। बंधु वो जाएगा, लेकिन वो अकेला नहीं जाएगा। वो चार व्यक्ति को साथ में लेके जाएगा, तांत्रिक को साथ में ले जाएगा और काम होते ही वापस लौट के आ जाएगा। जिसको ज्ञान होगा वहां पे सोच समझ कर कार्य करेगा। बंधुओं, ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर यही अंतर है। सारे दुखों का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान पाप करेगा तो उसको पाप नहीं मानेगा, लेकिन जो ज्ञानी होगा अगर कोई पाप कर लेता है तो वहां पर उसको पाप मानेगा और पुनः उसका प्रायश्चित कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है। जिस तरह से कपड़े गंदे हो जाते हैं तो उसको डिटर्जेंट के द्वारा, सोप के द्वारा वापस क्लीन किया जाता है, उसके ऊपर मैल हटाया जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्ञानी होगा वह जानेगा कि ये कार्य करने से पाप लगता है, तो वहां पर स्वयं आलोचना करके अपने ऊपर जो कर्म का मैल लगा हुआ है उसको प्रतिक्रमण के द्वारा वहां शुद्ध कर लेता है। बंधु, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, लेकिन किसी के अंदर कम है तो किसी के अंदर ज्यादा है। जिसकी जितनी क्षयोक्षम है उस प्रकार उसके पास उतना ज्ञान। स्कूल के अंदर टीचर बच्चों को पढ़ाती है, वहां पर सामूहिक में पढ़ाती है, लेकिन जिस बच्चे के अंदर जितनी क्षमता होगी वो उतना ही ग्रहण करेगा। सबकी क्षमता अलग अलग बताई है, तो हर साधक के अंदर कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई जल्दी सीख लेता है और किसी को बहुत समय लगता है सीखने में, और सीखते सीखते जिंदगी थक जाती है, लेकिन फिर भी दिमाग में नहीं छोड़ता है, क्योंकि वहां पर जाना बनिया कर्म के कारण। बंधु, मार्कुश मुनि का उदाहरण आता है, जो गुरु ने मार्कुश शब्द याद करने के लिए दिया, लेकिन वो पूर्ण रूप से याद नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनका जानना बनने क्रम बहुत गाढ़े बंदे हुए थे। बाकी जो साधु थे उनका मजाक उड़ाते थे कि इतना शब्द भी वो याद नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने यही सोचा कि मेरे कर्म ऐसे है इसलिए मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गुरु ने मुझे जो शब्द दिया है वहां पर सोच समझ कर ही दिया। उसको याद करते करते उनको पूरे 12 साल हो जाते हैं। जिस तरह से उड़द और छिलके जैसे पृथक हो जाता है, वैसे ही उन दोनों शब्दों को याद करते करते आत्मा और शरीर का भेद विज्ञान को जान लेते हैं और उनको केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो कहने का यही तात्पर्य है कि जो भी आप सीखते हो उस समय मन के अंदर यही भाव रखना कि मेरे कर्म इतने भारी है इसलिए मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन सीखने के लिए हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए। साधक पुरुषार्थ करता है तो अपने हाथ की रेखा भी बदल सकता है। बंधु, गौतम स्वामी जो ज्ञान के धनी थे, जितना ज्ञान उनके पास था भीतर उतना ही विनय का गुण भी था। किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं, किसी प्रकार के कोई वहां पे अठाग्रह नहीं था। बंधु, गौतम तीन अक्षर आते हैं, गौ यानी वहां गाय के समान, काम देनु गाय के समान, यानी तरु कल्प तरु, जिसको जैसे मनोकामना होती है वह मनोकामना पूरी हो जाती है। मा यानी मणि, चिंता मणि रत्न। बंधुओं, उनका नाम भी वैसे ही यथा नाम तथा गुण की तरह। गौतम स्वामी पहले मिथ्यात्व की कक्षा में थे। स्कूल के अंदर जब कोई फेल हो जाता है उस समय उसी कक्षा के अंदर उसको बिठाया जाता है, और अगर वो उत्तीर्ण कर लेता है, पास हो जाता है, तो उसको
उसकी कक्षा बदल दी जाती है, उसको आगे भेज दिया जाता है, लेकिन वापस पीछे की क्लास में नहीं दिखाया जाता है। लेकिन जो भगवान नाम स्वामी की जो यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर बंधुओं, अगर आप उत्तीर्ण करोगे तो आगे की गुणस्थान में बढ़ जाओगे, और अगर गुण श्रेणी के अंदर शुभाशुभ की भावना आ जाती है तो वापस पीछे की लौट के आना पड़ता है। गौतम स्वामी जो मिथ्या की श्रेणी में थे, लेकिन जब प्रभु के दर्शन हुए, उनके चरणों में समर्पित हो गए, उनकी जीवाणी को सुनी, बंधुओं वहां पर श्रेणी उत्तरोत्तर आगे बढ़ी और सम्मित्व को प्राप्त किया। गौतम स्वामी एक बार गोष्ठी के लिए पधारे थे, वाणिज्य ग्राम के अंदर बंधु बेले के पारना था, और जैसे ही गोष्ठी के लिए गए तो वहां कोलाब एक मोहल्ला उसके निकट से गुजर रहे थे। उस समय देखा कि वहां के जो लोग थे आनंद श्रावक की खूब प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने भी सुना और मन के अंदर विचार आया कि मुझे जाके उनसे मिलना है। बंधुओं, आनंद श्रावक जो भगवान महावीर स्वामी के जो दत्त श्रावक के अंदर आनंद श्रावक का नाम आता है, वहां पर अपने एंडिंग लाइफ के अंदर सारे सांसारिक कार्य से निवृत्त होकर वह अनशन करते हुए अंतिम समय के अंदर साधना में रत थे। जब गौतम स्वामी वहां जाते हैं और उन्होंने अंजलिबद्ध होकर हाथ जोड़े, थोड़ी देर दोनों के बीच में वार्तालाप हुआ। आनंद श्रावक ने गौतम स्वामी को पूछा कि क्या श्रावक को अवधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उस समय गौतम स्वामी ने कहा कि हो सकता है। तब आनंद श्रावक ने विनय पूर्वक गौतम स्वामी को कहा कि मुझे पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा के लवण सागर में 500 योजन तक क्षेत्र मुझे अभिज्ञान के द्वारा दिखाई देता है। दक्षिण के अंदर बंधुओं चुन हिमवंत वर्ष भर गिरी पर्यंत क्षेत्र मुझे दिखाई देता है, और उच्च देवलोक के अंदर सौधर्म देवलोक तक मैं देख सकता हूँ, और नरक गति के अंदर पहली नरक रत्न प्रभा तक मैं देख सकता हूँ। गौतम स्वामी ने कहा कि श्रावक अवधिज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन इतना विस्तार से प्राप्त नहीं कर सकता है। आनंद श्रावक ने कहा, मेरा कथन सही है, मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने इतना ज्ञान प्राप्त किया है। गौतम स्वामी ने कहा, आप जो कथन कर रहे हो वहां पे असत्य है। आनंद श्रावक ने कहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप अपने कथन के ऊपर चिंतन कीजिए। गौतम स्वामी के मन में शंका उत्पन्न हुई और वहां भगवान महावीर स्वामी के पास गए और कहा कि आनंद श्रावक ने इस तरह से अवधि ज्ञान को प्राप्त किया है, क्या वह सत्य है? भगवान महावीर स्वामी ने कहा, बिल्कुल सत्य है, उनका कथन बिल्कुल भी गलत नहीं है, एकदम सत्य है। बंधु, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि तुम जाकर उनको क्षमा याचना मांगो। बंधु, वहां जैसे गुरु वैसे ही शिष्य थे। विनय के अंदर किसी का अगर नाम आता है तो सबसे पहले गौतम स्वामी का नाम आता है। वहां सरल, वहां सौम्य, वहां शांत बंधु वहां आनंद श्रावक के पास गए और उनसे क्षमा याचना की। बंधु, वहां पे अहंकार नहीं आया। तो इस तरह से उन्होंने विनय के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त किया। बंधु, साधक को अगर ज्ञान को प्राप्त करना है, कहते हैं कि जब भी आप कोई भी ज्ञान प्राप्त करते हो तो सबसे पहले भीतर के अंदर सरलता की भावना ले आनी है, विनय की भावना लेके आनी है,
उनको वंदन नमन करके आप अगर ज्ञान अर्जन करना प्रारंभ करोगे तो आपका ज्ञान कंदस्य जल्दी हो जाएगा। तो बंधुओं, गौतम स्वामी ने भी भीतर से विनय का गुण प्रकट किया है। तो इस तरह से भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी का जीवन क्या कर दिया, उद्धार कर दिया। तो इस बड़ी साधु वंदना के अंदर ऐसे ऐसे चारित्र आत्माओं का वर्णन आता है जिन्होंने विनय के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अनेक क्रिया के द्वारा वहाँ पर अपना आत्म का कल्याण कर लिया है। ऐसे महापुरुषों को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमंती महाराज ने भाव पूर्वक वंदन नमन किया है। तो आप भी इस काव्य रचना का पठन पाठन करोगे तो आपका जीवन भी कल्याण हो जाएगा। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।